अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। 2 करोड़ रुपए की जमीन को महज कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदा है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन पर 16.5 करोड़ का मुनाफा कमाने वाले शख्स का नाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी आखिर कौन है। इस खबर में हम आपको इन दोनों ही लोगों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। सुल्तान अंसारी का नाम अयोध्या के बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में आता है, जबकि रवि मोहन तिवारी उनके ही पार्टनर हैं। सुल्तान अंसारी के पिता का नाम नन्ने मियां अंसारी है। वो अयोध्या के असरफी भवन चौराहे के पास कटरा मोहल्ला सुतौठी के रहने वाले हैं। सुल्तान के पिता नन्ने मियां अयोध्या में पुराने प्रॉपर्टी डीलर्स में से एक हैं, जिन्होंने साल 2000 में जमीन खरीदने और बेचने का काम शुरू किया था। आपको बता दें कि सुल्तान अंसारी चुनावी मैदान में भी किस्मत आजमा चुके हैं। 2017 के अयोध्या नगर निगम चुनाव में कटरा विभीषण कुंड वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में गाटा संख्या 243, 244 और 246 की जमीन, जिसकी मालियत 5.8 करोड़ रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18 मार्च को खरीदा। इस जमीन खरीद में 2 गवाह बने, एक अनिल मिश्र और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय। अनिल मिश्र राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के सदस्य हैं, जबकि ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर हैं। इसी जमीन को उसी दिन 10 मिनट बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके लिए 17 करोड़ रुपए RTGS सुल्तान अंसारी के अकाउंट में किया गया। इस तरह से सुल्तान अंसारी ने महज 10 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। हालांकि सुल्तान अंसारी ने इस जमीन को साल 2011 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कराया था, लेकिन बैनामा 10 साल बाद यानी 18 मार्च 2021 को कराया गया। अब उन्होंने इस जमीन को 10 मिनट के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट के नाम 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री कर दिया। बस इसी वजह से सपा से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से लेकर तमाम लोग राम मंदिर ट्रस्ट को घेरने में जुटे हैं। वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव संपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। संपत राय ने बयान जारी करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी भूमि खरीदी है उसे बाजार की कीमत से कम मूल्य पर खरीदा गया है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था, उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया गया। ऐसे में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। तो प्रदेश की राजनीति में फिर से राम मंदिर का मुद्दा उछल रहा है और अब इस जमीन को खरीदे जाने को लेकर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं।